अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के हक और अधिकारों की बातें की गई, महिला सशक्तिकरण के संकल्प भी लिए गए। राजस्थान में सरकार ने एक दिन के लिए महिलाओं के लिए कई जगह पर फ्री सुविधाएं रखी, जैसे रोडवेज बसों में फ्री सफर और प्रदेश भर में बने बायोलॉजिकल पार्क, जू, स्मारक और संग्रहालयों में भी फ्री एंट्री। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि देश भर में हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज की महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं चलाती बल्कि देश और दुनिया की तरक्की में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। ऐसे में राजस्थान की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, जिसमें जोधपुर के रहने वाली डॉक्टर कीर्ति भारती के योगदान की बात की जाए तो डॉक्टर कीर्ति भारती एक ऐसी महिला शख्सियत हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखी है। वहीं गुलजान खानम अजमेर जिले के गगवाना गांव के सरपंच हैं और सरपंच की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय में 10वीं और 7वीं की छात्राओं को निशुल्क अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाती हैं। इसके अलावा उर्मिला धनारिया जो कि श्रीगंगानगर जिले से हैं, एक छोटे से गांव के मदेरा के रहने वाली हैं और उर्मिला ने घर से बाहर निकलकर अपने पति के साथ मिलकर खेती में नवाचार किया और इस नए प्रयोग से उर्मिला ने यह साबित किया है कि महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं। तो आज के दिन हम नारी शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं और उनके अहम योगदान पर गर्व महसूस कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ आज ही क्यों, ये प्रश्न बना रहेगा। बात बराबरी की जरूरी है, ये एक दिन नहीं हमेशा की बराबरी की है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे उन महिलाओं से जिनके योगदान को समाज कभी नकार नहीं सकता। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। निर्मल कौर हैं, रिटायर्ड आईपीएस, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। गुलजान हैं अजमेर गगवाना से, महिला सरपंच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं कैप्टन स्वाति शर्मा, रिटायर्ड कैप्टन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर आरुषि देवान, मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आरुषि आपका भी। तो हमारे साथ ये तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और चलिए आज के दिन को लेकर सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप सभी के योगदान ने जितना समाज को आगे बढ़ाया है और अभी भी आप लोगों के योगदान से काफी समाज आगे बढ़ रहा है। तो आज के दिन को लेकर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा निर्मल कौर जी से कि आज के दिन सिर्फ महिलाओं के हक की बात की जाती है, आज वुमेन्स डे है, तमाम शुभकामनाएं महिलाओं को मिलती है, लेकिन हर दिन महिलाओं को ये सम्मान और इस तरीके के व्यवहार क्यों नहीं मिल पाते हैं, क्यों महिलाएं हर क्षेत्र में पीछे रह जाती हैं बावजूद इसके कि वो योगदान दे रही हैं समाज के विकास में। आज का दिन तो विश करना या इसको मनाना एक टोकन है, एक सिंबल है, बस इस टोकनिज्म से ऊपर उठने की जरूरत है। आज आपने मना लिया, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, परंतु उसको धरातल पे लाना है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अभी भी जिसे कहते हैं ना पितृसत्ता की तूती बोलती है। और दूसरी बात है, आज एक और भी बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति, आपको तो मालूम है शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, इसी तरह हमारा समाज भी नारी के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। अगर वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना योगदान ना दे पाए पूरा किसी कारणवश, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो सुरक्षात्मक हो, चाहे उनको घर में चार दीवारी बंद करने वाली प्रथाएं हो, जो भी चीजें हो जो उनको बंधन में रखती हैं, इस तरह की मेंटल चेंज में रखती हैं या फिजिकल और इमोशनल चेंज में रखती हैं, उससे अगर आप उनको उठा नहीं पाए तो एक दिन 8 मार्च को आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली या अच्छे अच्छे फंक्शन कर लिए या कुछ टोकन सुविधाएं दे दी कि आज बस में फ्री जाइए या चिड़ियाघर फ्री में घूम आइए, उससे क्या लाभ है। आमूल चूल परिवर्तन लाना है, धरातल पे परिवर्तन लाना है, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। आप कैसे अपने बेटों को घर पे पालन पोषण करती हैं, क्या आप वो उम्मीद करती है कि वो भी गैस पे कुछ बंद करेगा जो काम आप बेटी से करवा रही हैं, क्या उम्मीद करती है कि 4 प्लेटें वो भी धोएगा, क्या वो उम्मीद करती है कि आपका आटा वो भी गूंथ देगा, क्या आप सिखा रही हैं अपने लड़के को ये सब काम? आप अगर आप नहीं सिखा रही हैं तो ये 8 मार्च मनाना तो मतलब अरसा लग जाएगा बराबरी आने में। परिवर्तन हुआ है परंतु बहुत ही धीमी गति से, और इस परिवर्तन को अगर तीव्र करना है तो पहले अपने जो मेल्स हैं, स्पेशली अगर हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं जो कि कच्ची उम्र में बच्चों को सिखाया जा सकता है, उनको हम लोग बराबरी का पाठ पढ़ाएं। बराबरी सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, हर क्षेत्र की बराबरी, चाहे वो किचन में काम करने की है, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे वो अच्छे स्कूल में जाने की है, चाहे वो पोषण की है, चाहे वो फिजिकल लेबर की है, जो भी है, बराबरी हमें दोनों बच्चों को देनी, मतलब दोनों तरह के, हमारा पुत्र हो या पुत्री, हमें इस बराबरी को पहले घर से शुरू करना है। और वही परिवर्तन समाज में परिलक्षित होता है, जो परिवर्तन घर से शुरू नहीं हुआ समाज ऊपर से उसको थोप नहीं सकता, चाहे वो कितने भी विमेन डे बना ले,
बिल्कुल सही कहा आपने। स्वाति शर्मा भी हमारे साथ हैं। स्वाति जी, देखिए हर क्षेत्र में आजकल महिलाएं आगे हैं। जो भी लड़कियां हैं, पहले कहा जाता था कि डिफेंस के क्षेत्र में हो, या फिर कई ऐसे फील्ड है जहां पर महिलाओं को ये कहा जाता था कि लड़कियां यहां पर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हर उस कड़ी को तोड़कर, हर उस मिथ को तोड़कर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक छोटी सोच है समाज की जो महिलाओं को पीछे कर देती है हर बार। जी, पहले तो मैं, आपने जिस बात से शुरुआत की थी कि महिला, अगर हम ये माने कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नहीं, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब ये सोच की बात है कि जिस भी क्षेत्र में महिलाएं हैं, जैसे आप अभी डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी कॉलेज के बाद डिफेंस ज्वाइन करा, तब हमारा यही सोच थी कि ये तो मेल डोमिनेटेड पोर्टफोलियो है, प्रोफाइल है, तो इसमें एंटर करना हमारे लिए कितना सही रहेगा, उसमें सक्सेसफुल कितने रहेंगे, पर हम बड़े, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी थी जिनको हमने देखा और वो हमारे लिए मोटिवेशन रही थी। तो बिल्कुल। जब आज इस मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में लाइक 16 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, पहले मैंने आर्मी में सर्व करने के बाद अभी मैं स्टेट सर्विसेज में हूँ, अगेन यूनिफॉर्म सर्विसेज में हूँ, तो देखिए मैं ये मानती हूँ, जैसे मैम ने बताया कि आप जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम तो मानते हैं कि इक्वालिटी है, हम तो अपने आप को इक्वली मानते हैं। कभी मुझे ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कभी 15 साल में कि कोई मुझे आके बताया कि आप हमसे कम हैं, नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आप में सबसे पहले होना चाहिए, जैसे बिल्कुल। मैम बता रहे हैं घर से शुरुआत होती है, तो घर से शुरुआत कौन कर रहा है? बीइंग पेरेंट्स, आपके माता पिता सबसे पहले आपको ये बताते हैं। अगर आपको घर के निर्णय में कोई तवज्जो दी जाएगी, आज हम बच्चों को भी अगर लेके बैठे हैं और हम कहते हैं कि हाँ बेटा आप दोनों बराबर हैं, बताइए, पर अगर आप तवज्जो महिला को नहीं देंगे, छोटी बच्ची भी अगर ये कहा जाएगा कि नहीं तुम हटो, ये भैया बोलेंगे या आपके घर के पुरुष बोलेंगे, तो वहीं से ही शुरू होता है वो कॉन्फिडेंस। और मैं बहुत लकी रही कि मुझे ऐसा एनवायरमेंट मिला, मेरी मदर भी सर्विस में थे तो मुझे वो एनवायरमेंट मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम सबसे पहले माने, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट तो देखिए हो गया है, आज आप बैठी हैं यहाँ पर एंकर के रूप में, इतनी महिलाएं हमारे साथ है, हर क्षेत्र में है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि क्या समाज इन जो एम्पावर्ड महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, उनको किस तरह से उनके साथ बिहेवियर होता है, क्या वो तैयार हैं, क्या आपके साथ में जो पुरुष हैं, जैसे हम आए हैं जिस प्रोफाइल से, वहां पर दोनों का काम बराबर सा रहता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप जब इसरो पे देख लीजिए, मिशन देखिए हमारा, और आप देखिए नारी शक्ति थीम रही है इस बार के 26 जनवरी पर, तो इस केस में आपको ये बहुत जरूरी है रियलाइज करना कि वी आर एवरीवेयर, ऐसा कोई फील्ड बचा ही नहीं है जो महिलाएं नहीं काम कर रही है, बट अब आप अपने समाज को किस तरह से तैयार कर रहे हैं उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर आरुषि दीवान के पास चलते हैं। आरुषि जी, देखिए साफ तौर पर हम आज जिक्र कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं महिलाओं को और बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए, लेकिन परिवार का सहयोग कितना ज़्यादा होता है, समाज का योगदान कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि महिलाएं अगर आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में तो उनका सपोर्ट करना। जी देखिए, जैसे हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, वुमेन्स डे इज नॉट अबाउट कि हम ऑफिस में वुमेन्स डे मनाएं, सबको एक फ्लावर दें, इट्स अबाउट कि हम उन अंडरलाइन इश्यूज को एड्रेस करें जो एज अ सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो डिप्रेशन औरतों में ट्वाइस पाया जाता है देन मेन। अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करेंगे वो 10 टाइम ज्यादा पाया जाता है इन वुमेन देन मेन। आप जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे वो भी ट्वाइस पाया जाता है इन वुमेन देन इन मेन। एंड ओवरऑल जो सीवियर मेंटल इलनेस कंडीशंस हैं वो 70% वुमेन में ज्यादा पाई जाती है देन इन मेन। ये इंसिडेंट रेट सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि एज अ सोसाइटी क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वुमेन की पुअर मेंटल हेल्थ को। ज्यादातर इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो वुमेन होती हैं, ज्यादातर डिप्रेशन से इफेक्टेड वुमेन होती हैं, और ये मैं आपको जो नंबर्स दे रही हूँ ये WHO की रीसेंट स्टडी के हिसाब से हैं। हमारी कंट्री में बहुत फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वुमेन की इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को, जैसे कि एज अ सोसाइटी
वुमेन से जो एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, जो जेंडर रोल्स हैं जो हमारी सोसाइटी में डेजिग्नेटेड हैं औरतों के लिए और पुरुषों के लिए, आज की डेट में उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है, वो बच्चा पालने का स्ट्रेस, घर चलाने का स्ट्रेस, उसके साथ साथ अपने ऑफिसेस को मेंटेन करने का स्ट्रेस, फिर वेडिंग के बाद जो एक्सपेक्टेशंस वुमेन से की जाती है एज अ डॉटर इन लॉ, उनको जो जो रोल्स मीट करने होते हैं इन द सोसाइटी, ये सब चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को। और उसके साथ साथ सोसाइटी में औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मीट करें, तो उनको अपने आप को उस क्षेत्र में भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब इतने सारे फैक्टर्स की वजह से आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर किस लेवल का प्रेशर होता होगा अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने का। तो एज अ सोसाइटी हम सबका ये समझना जरूरी है कि हम अपने लेवल पे कम से कम अपने घर की औरतों की मेंटल हेल्थ की तरफ, उनकी मेंटल वेलबींग की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करें, और ये जो स्टिग्मा है कि जेंडर रोल्स के अराउंड हमारी कंट्री में, उस स्टिग्मा को ब्रेक करें। और जैसे कि निर्मल जी ने कहा कि हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि तुम्हें घर के काम करने हैं, पर बेटियों से जो सोसाइटी ने एक्सपेक्टेशंस डाल रखी हैं, उन एक्सपेक्टेशंस का स्टिग्मा हमें अपने घर से तोड़ना शुरू करना होगा, ताकि हम उनकी मेंटल हेल्थ की तरफ, उनकी इमोशनल वेलबींग की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। गुलजान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुलजान जी, आप एक छोटे से गांव से निकलकर महिला सरपंच के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, इसके अलावा भी आप निशुल्क शिक्षा दे रही हैं छात्राओं को। कितना चैलेंजिंग रहा ये सफर आपके लिए, छोटे से गांव से निकलकर कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलना और विकास के काम करना और बालिकाओं के दुख दर्द को समझना? सबसे पहले तो आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, और जब मैंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा तो मैं भारी बहुमत से विजयी रही, लेकिन मेरी ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल ही आसान नहीं थी, क्योंकि एक महिला सरपंच और मैं बिलोंग करती हूँ एक मुस्लिम समाज से जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। लेकिन जब मैं सरपंच बनी, मैं मंच पे चढ़ने लगी, मैं भाषण देने लगी, तो मेरी भी आलोचना शुरू हो गई, लेकिन मैंने उस आलोचना की परवाह न करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। मैं चाहती थी कि हमारे जो गांव की समाज की रूढ़िवादी सोच है, मैं उस सोच को बदलूं और महिलाओं को, यहाँ ग्रामीण जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाऊं। इसीलिए मैं विद्यालय में जाने लगी और बच्चों की करियर काउंसलिंग करने लगी और उनकी क्लासेस लेने लगी। बिल्कुल, तो बहुत चैलेंजिंग होता है एक छोटी सी जगह से निकलकर इतना बड़ा कदम उठाना और विकास के लिए काम करना। निर्मल कौर हमारे साथ हैं। निर्मल जी से एक बार समझते हैं कि सरकार की तरफ से तो तमाम योजनाएं चलाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और तमाम तरीके के स्लोगन्स होते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं समाज ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तमाम योजनाओं के बावजूद भी, बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी, आज भी वो पार्शियलिटी कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से महिलाओं का बालिकाओं का मनोबल टूटता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हर जगह आपको मिल जाएगी देखने को। देखिए, नारी सुधार की हम बात करें शुरू से, आप देखिए जब राजा राम मोहन रॉय वगैरह ने सती प्रथा बंद की, चाइल्ड मैरिज वगैरह बंद हुई, तो नारी उद्धार की बात होती थी। उद्धार कर रहे नारियों का मतलब जैसे कोई बहुत ही गया गुजरा आदमी है जिसका उद्धार कर रहे हैं, बहुत ही दुखी गरीब गुरबा कोई है जी। उसके बाद देखिए आप, उद्धार के बाद बात होने लगी, अगर फर्स्ट प्लान डॉक्यूमेंट देखे, नारी कल्याण की बात होने लगी कि नारियों का कल्याण कैसे हो जाए। कल्याण मतलब जैसे भिखारी को 2 रुपए दे दिया आपने, भीख दे दी, उस टाइप का एक डिफरेंस था कि आप कल्याण कर रहे हैं कोई बहुत ही, अभी भी इतना ज्यादा फर्क है दोनों में कि आप कल्याण की बात करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे वर्ड्स जो यूज में आ रहे हैं, प्लान डॉक्यूमेंट देखिए या जो भी आप अपनी नीति देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की राष्ट्रीय नीतियां देखिए, ये शब्द बदलते गए और अभी फिर करेंट वर्ड था सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के मायने ये नहीं है कि आपने उनको सस्ती गैस दे दी, शायद वो कहीं ना कहीं काम आए, या आपने उनको कुछ फ्री टिकट दे दिए, बस में फ्री राइड दे दिए। सशक्तिकरण का मतलब ये हुआ कि फैसले लेने में, चाहे वो घर के फैसले हो चाहे राष्ट्र के, महिलाओं का क्या योगदान है, आप कितना उनको एम्पावर करते हैं कि दे कैन मेक डिसीजंस। आज भी डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, बहुत सी महिलाएं आपके राजस्थान में क्या, हर जगह पंजाब में, उनको इतना भी हक नहीं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, और ये जो क्या आजकल टेस्ट वेस्ट होते हैं, जो मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस है उसके लिए जाना है या नहीं, नहीं भी वो औरत चाहेगी वो जाएगी परिवार के साथ,
और अगर उसने झूठा ही अगर कह दिया अल्ट्रासाउंड के बाद कि ये फीमेल फीटस है, तो उसको गिराना भी पड़ेगा। पैकेज डील्स दे रहे हैं पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, कई जगह। हालांकि ये इलीगल है ये जो कार्य करना, परंतु बहुत सारे क्लिनिक्स दे रहे हैं। तो देखिए, अपनी महिला अपने शरीर के बारे में भी फैसला नहीं ले सकती, अपने किसी चीज के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती, घर की संपत्ति के बारे में नहीं ले सकती, घर किस तरह से चलेगा उसके बारे में नहीं ले सकती, और वो हमेशा किसी न किसी पुरुष पर आधारित रहती है। कभी पति पे हो गई, कभी बेटे पे हो गई, कभी पुत्र, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ जो भी है, कर्ता धर्ता, जो कर्ता की पावर है वो अधिकतम हमारे समाज में पुरुष के पास ही है। कर्ता की पावर, जितना भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, नारी बंधन की बात करें, मातृशक्ति की बात करें, स्त्री शक्ति की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, कर्ता की शक्तियां अभी भी नारियों के पास नहीं है जी। और पता नहीं कितने दशक लगेंगे, अभी मुझे नहीं पता, परंतु ये जो है ना कि अगर हम कहें कि बराबरी आ चुकी है एंड देयर इज अ लॉट टू सेलिब्रेट, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप 8 मार्च को अच्छा हुआ कि आपने डिस्कशन रखा, आपने सोचा, और हम सोचते हैं कि हर पल जो बाकी 364 दिन है उसके बारे में भी हम लोग यही सब सोचेंगे कि किस तरह हम अपनी महिलाओं को अधिकतम सशक्तिकरण उनका कर सके, उसके लिए उनको समाज में सुरक्षा दे पाए, बराबरी दे पाए। और मेरे ख्याल से जो मुझे लैकिंग लगता है भारतीय समाज का, मैंने निकट से अध्ययन किया, उम्र भी हो गई मेरी और बहुत करीब से देखा समाज को, सबसे बड़ी बात है कि आज भी घर में जिस तरह हम लड़की को पालते हैं, लड़के को पालते हैं, मैंने तो कोई घर ही शायद नहीं देखा जहां बराबरी से दोनों को पाला जाता हो। अगर कभी मैं कह दूं गैस बंद कर दो अपने बेटे को, तो कोई ना कोई घर की महिला ही या आस पड़ोस की बैठी महिला कह देगी तो बेटी है उससे क्यों नहीं करवाती। मतलब इतना छोटा सा काम भी उनको लगता है कि कोई भारी हो गया, बेटे से आप गैस भी बंद करने को नहीं कह सकती, ये काम सिर्फ लड़की करेगी। तो ये इस तरह की चीजें हमारे समाज पर बहुत हावी हैं, और ये छोटी लगती है अपने आप में, पर यही सोच जो है वो भारी पड़ रही है लड़कियों। बिल्कुल सही, यही जो सोच है वो लड़कियों को बराबरी से बाहर आने के लिए मना कर रही है। यही सोच मैग्नीफाई हो जाती है, आज गैस बंद करने की बात है, कल रोटी बनाने की बात है, कल शादी होगी तो सास ससुर की उम्मीदें हैं, पति की उम्मीदें हैं, पूरे समाज की उम्मीदें हैं कि बहू आई है तो ये करेगी वो करेगी। अपना जीवन तो किसी बहू का रह ही नहीं जाता, माँ बाप फिर भी थोड़ा बहुत इंश्योर करते हैं कि हम पढ़ा लिखा दे, अच्छे से कर दे। आप किसी भी विवाहित महिला से पूछ लें, शायद ही कोई हो हजारों में एक कि जिसका अपना कोई जीवन बचा हो, परिवार की खुशियां, परिवार के लिए त्याग, परिवार का सब कुछ, वही सब देखना पड़ता है, चाहे वो कामकाजी महिला हो चाहे वो घरेलू महिला हो। मेरे ख्याल से ये करीब करीब हर जगह सच है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। स्वाति जी, हम हर बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, हर मिथ को हम झूठा साबित करके हर क्षेत्र में अपना परचम लहराती हैं महिलाएं, लेकिन परिवार के साथ साथ काम को संभालना, इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है और कितना एक बड़ा चैलेंज होता है बैलेंस बनाना दोनों में। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, पर बीइंग अ वुमेन आपको डुअल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको बाहर भी संभालना है, घर पे तो संभालना है, बच्चे जब आपको देखते हैं तो उनको केवल अपनी मदर दिखाई देती है, उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये किस क्षेत्र में काम कर रही है। पूरे दिन जब काम खत्म करके आप आते हैं तो बच्चों को यही लगता है कि मदर आए हैं, अब उनका काम जो है अब से शुरू होता है। तो ये जो वर्क एंड प्रोफेशनल बैलेंस मेंटेन करना है, मुझे लगता है अभी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही हुआ हुआ है एक वर्किंग लेडी के लिए। बिकॉज हमें अभी ये समझना होगा कि आप जब अपने प्रोफेशन पे पूरी तरह से ध्यान देते हैं और घर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी की उतनी है, इट इज वेरी गुड कि अगर आपको सपोर्टिंग स्पाउस मिलता है, सपोर्टिंग फैमिली मिलती है, पर वो सबके लिए पॉसिबल देखिए नहीं हो पाता। मैं अग्री करती हूँ इस चीज से। तो हमें भी बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है कि हम जो बाहर जाते हैं और जो वुमेन काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना पड़ेगा। आप जब एक महिला बाहर जाती है, आपको समझ में आ रहा है कि दूसरी महिला की परेशानी है, हमको एक दूसरे का सपोर्ट बनके करना पड़ेगा सो दैट दूसरी भी प्रोग्रेस कर पाए। आपको जब भी होगा तो वर्क बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज रियली अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि आपको कहीं भी रिलैक्सेशन की उम्मीद आप महिला होने के नाते नहीं कर सकते, ना ही ऑफिस में ना ही घर पे। अब जैसे वर्क बैलेंस की बात अभी जैसे मैम मेंशन कर रहे हैं, मैं दो बेटों की मदर हूँ, एक 13 साल का, एक 8 साल का है, तो मैं ये समझती हूँ कि एज अ मदर मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आने वाले हम सब एक जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं। अगर मैं मेरे बेटे को ये बताऊं कि नहीं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये आएंगी कोई, जब दूसरों की बेटियां भी हमारे बराबर है, जैसे मेरे बच्चों के साथ जो बच्चियां पढ़ती है, कुकिंग, दूसरे जो हाउस मैनेजमेंट है, ये कोई महिलाओं का काम नहीं है, ये कोई जेंडर रोल डिफाइंड आपकी सोसाइटी करती है।
ये नहीं आप दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, जैसे अभी मुझे मौका मिला था विदेश जाके पढ़ाई करने का, वहां की सोसाइटी बिल्कुल अलग है। वहां पर मेल और फीमेल उनके भी बच्चे जो वो टेक केयर कर रहे हैं, तो एज अ फादर भी वो छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, क्योंकि उनको ये बताने वाला नहीं है कि तुम्हें ये नहीं करना है या ये तुम्हारा काम है या ये तुम्हारा काम नहीं है, पर हमारे यहाँ ये बताया जाता है। तो बच्चों को भी आप ट्रेन करें, लड़के लड़कियों दोनों को ट्रेन करें कि वो लाइफ स्किल जरूरी है। अभी कोविड में हमने देखा कि जब सब कुछ बंद हो गया था तो कई बच्चे जो पढ़ने बाहर गए हुए थे, चाहे वो लड़कियां थी लड़के थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आई, ट्यूशन सिस्टम वगैरह सब कुछ बंद हो गया। तब आपकी मदर जो जिन्होंने बच्चों को नहीं सिखा पाए वो कि कैसे एक छोटा सा बेसिक खाना बनाते हैं, उन लड़कों को लड़कियों को सबको प्रॉब्लम हुई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ एक जो दायरे हैं हम बांधते हैं कि ये महिला होने के नाते पुरुष होने के नाते तुम नहीं करो, मुझे लगता है दोनों इक्वल हैं। जो मेल अगर अच्छे से घर का ख्याल ध्यान रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, दे शुड कम अहेड और सपोर्ट देयर वाइफ, और बाकी जो है वर्क बैलेंस मेंटेन करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क इन द प्रेजेंट सिनेरियो। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर आरुषि का रुख कर लेते हैं। आरुषि जी देखिए, आज इस बात के लिए प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाएं कितनी सशक्त हो चुकी हैं, हर क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके भेदभाव का जो व्यवहार है, चाहे वो परिवार में हो चाहे वो समाज में हो, आज इसकी वजह से कई लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, चूंकि एक मेंटल प्रेशर होता है। और ऐसे भी जो महिलाएं या लड़कियां हैं वो इमोशनली फिजिकली अगर कमज़ोर होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से ताने जो समाज के होते हैं या हर क्षेत्र में पीछे दिखाना जो होता है, इसका कितना असर होता है? जी हम सब फिजिकल अब्यूज के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं, बट इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज के बारे में कोई बात नहीं करता, जो इंडिया की अधिकतर औरतों को फेस करना पड़ता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। जैसे सास के ताने हो, आपके इन लॉज की आपसे एक्सपेक्टेशंस हो, आपके हस्बैंड की आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह वर्क प्लेस पे, चाहे हम जितनी जेंडर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर लें, बट आपको वुमेन होने की वजह से कहीं ना कहीं ताने जरूर मिलते हैं। लोग रियलाइज नहीं करते कि इन तानों का कितना डीप इमोशनल इम्पैक्ट हो सकता है एक इंसान पे। जैसे मैंने आपको कहा कि औरतों पे वो एक प्रेशर होता है कि बच्चा होने के बाद, शादी के बाद भी आपको अपने आप को मेंटेन करके चलना है, तो हमारे लिए वो एक, जैसे किसी और के लिए वो एक न्यूट्रल कमेंट हो सकता है, अगर वो आपको बोले कि आपने वेट गेन कर लिया है बच्चे के बाद या आप मोटे हो गए हैं। पर इस तरह की बॉडी शेमिंग का एक औरत की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है वो हम रियलाइज नहीं करते। इस तरह के ताने बहुत कैजुअली हमारी सोसाइटी में बिना सोचे समझे बोल दिए जाते हैं, स्पेशली औरतों को। आपने बहुत कम देखा होगा कि अगर आप फैमिली फंक्शंस में जाएं, कोई किसी मेल की फिजिकल अपीयरेंस पे, उनकी कैपेबिलिटीज पे या उनके काम पे कमेंट कर रहा हो, पर हमेशा औरतों के काम पे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे, उनके खाने बनाने के तरीके पे, उनके बच्चे पालने के तरीके में हर चीज पे कमेंट किया जाता है। ये कमेंट्स, ये सरकैज़म, ये टॉन्ट्स उनकी मेंटल हेल्थ को इतनी डीपली इम्पैक्ट करते हैं जो हम समझते नहीं है। और हमारी सोसाइटी में ये सब इतनी कैजुअली किया जाता है, क्योंकि एक हम एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, दूसरा हमारी सोसाइटी में वो इमोशनल सेंसिटिविटी ही नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमारे ये कमेंट्स, हमारे ये टॉन्ट्स या सरकास्टिक फीडबैक्स किसी को कितना डीपली इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो बातें किसी की मेंटल वेलबींग पे कितना गहरा घाव छोड़ सकती हैं, इस चीज को हम रियलाइज ही नहीं करते। तो एज अ सोसाइटी हमें ये चेंज लाने की बहुत जरूरत है, कि हम औरतों को इस तरह से कमेंट करना, उनको इस तरह से ताने मारना छोड़े, चाहे वो आपके मुंह पे पिंपल आ गए हैं, आप मोटे हो गए हो, आपने खाना अच्छे से नहीं बनाया, आप काम से लेट आते हो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इस तरह के कमेंट कोई आदमियों को नहीं मारता। वो चाहे काम से 11 बजे आए, उनके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया जाता, बट औरत अगर 6 से 7 भी बजा देगी काम करने में, चाहे वो IAS क्यों ना हो, चाहे हर बार महिलाओं को ताने सुनना पड़ता है, और शायद इसका असर भी मेंटल हेल्थ पर ज़रूर पड़ता है। एक छोटा सा सवाल गुलनाथ जी से लेंगे, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास। तो गुलनाथ जी, आप जिस तरीके से एक छोटे से गांव से निकली हैं, काफ़ी मेहनत की, आपने अपनी पहचान बनाई है और अच्छा काम कर रही हैं, आज जो भी बालिकाएँ हैं उनको मुफ्त शिक्षा दे रही हैं, ऐसी तमाम महिलाएँ होंगी जो चाह कर भी अपने गाँव से बाहर निकल कर ऐसे काम नहीं कर पा रही होंगी, समाज में अपनी पहचान नहीं बना पा रही होंगी, लेकिन उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, आखिर कितना जरूरी है इस तरीके का बदलाव? जी मैम, मेरा ये ओपिनियन है कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिला, ग्रामीण महिला
आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसके लिए मैंने अपने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए अपना स्वयं का सबसे पहले महिला स्वयं सहायता समूह बनाया और मुझसे प्रेरित होकर आज हमारे गांव में 20 से 25 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। इनकी मदद से मैंने कई महिलाओं का स्वरोजगार स्टार्ट करवाया है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, क्योंकि गाँव में ग्रामीण महिला को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। तो मैं हर महिला को और मैं छात्राओं को भी इसीलिए पढ़ाने जाती हूँ कि उनकी सोच को ऊंचा करूं और उन्हें ये समझाऊं कि एक लड़की है वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं ग्रामीण महिलाओं को मैम यही संदेश देना चाहूंगी और सभी महिलाओं को कि हर महिला एक दूसरी महिला की सखी बने, सहेली बने, तभी महिला सशक्तिकरण संभव है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हमारे गाँव में सखी उत्सव सेलिब्रेट करती हूँ ताकि हर महिला ये समझे कि एक महिला दूसरी महिला के सपोर्ट में बिल्कुल, यानी कि साथ आना और एक दूसरे का सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए।